Now we take up the Kirchhoff's second law, which is also known as Kirchhoff's voltage law. According to this law, the algebraic sum of all voltages in a closed circuit is equal to zero. That is, sum of V equal to zero. Let's take the electric circuit as shown in the figure, in which we have three resistances R1, R2, R3 and two cells E1 or E2. For it, we take up the sign conventions. The product of I1 and R1 is taken as positive if we consider along the direction of, if front is along the direction of closed path, and the product of current and resistance is taken as negative if current is opposite to the closed path which we consider. And for the cell or battery, while going on the closed path, if positive terminal of the cell or battery comes first, then the EMF is taken as positive, and if negative terminal comes first, then taken as negative EMF. Now, for example, we consider the closed path A, B, C, D, E, F, A. ये क्लोज्ड पाथ में क्या होगा, जिस पॉइंट से हम चल रहे हैं वही पॉइंट लास्ट में आना चाहिए, स्टार्टिंग का पॉइंट भी हो लास्ट का पॉइंट दोनों सेम होना चाहिए, दैट इज वी कंसीडर द क्लोज्ड पाथ. ठीक है, नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम हियर ए बी सी, देयर इज नो करंट एंड अगेन द करंट I2 व्हिच पासेस थ्रू द रेजिस्टेंस R3. नाउ द प्रोडक्ट I2 R3, हमारा क्लोज्ड पाथ सी से डी की तरफ है और करंट क्या है अपोजिट टू द क्लोज्ड पाथ. सो ये प्रोडक्ट जो I2 और R3 का प्रोडक्ट होगा, इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, माइनस I2 R3. फिर सेल के पास जाते हैं. ठीक है, सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल वो पहले आ रहा है, जब क्लोज्ड पाथ पे इधर से जब रहे हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल पहले है, तो सेल, इस सेल की E2 सेल जो है उसकी ईएमएफ को हम पॉजिटिव लेंगे E2. यहां से फिर DEF को क्लोज करते हुए फिर सेकेंड हमारे पास फर्स्ट सेल, ये E1 सेल आ जाता है, उसका नेगेटिव टर्मिनल आया हमारे पास, तो उसकी EMF को हम नेगेटिव लेंगे, वो लिखा है हमने माइनस E1. अगेन द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस I1 एंड R1 इज टेकन एज पॉजिटिव बिकॉज इट इज इन द क्लोज पाथ डायरेक्शन. इन सभी का सम क्या होगा, क्योंकि अल्जेब्रिक सम इज इक्वल टू जीरो. सो I1 R1 माइनस में I2 R3 इज इक्वल टू E1 उधर जाके पॉजिटिव हो गया और E2 आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो E1 माइनस E2. सिमिलरली वी टेक अनदर क्लोज्ड पाथ ए बी ई एफ ए. इस क्लोज्ड पाथ में क्या है, हमारा यहां करंट क्या है, बी से ई तक करंट है I3, तो प्रोडक्ट क्या हो गया, करंट रिलेशन का I3 R2 विच इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्लोज्ड पाथ. सो I3 R2 इज टेकन एज पॉजिटिव. नाउ अगेन ऑन ट्रेवर्सिंग द क्लोज्ड पाथ वी कम फर्स्ट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ E1, सो E1 इज टेकन एज नेगेटिव प्लस I प्रोडक्ट ऑफ करंट I1 एंड R1 इज टेकन एज पॉजिटिव बिकॉज वी आर करंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्लोज्ड पाथ. इन सबका सम क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो, और E1 इज इक्वल टू, E1 को हम उसे आई में ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I3 R3. ये है आपका अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स सेकंड लॉ, विच इज द इम्पोर्टेंट लॉ. ओके.